सी राजीव, मेरे लिए भी उतना ही ज़रूरी है पैसे कमाना, मेरे लिए भी उतना ही ज़रूरी कि मैं काम करूं, लेकिन मेरा ये मानना है कि मैं पैसे के पीछे कभी नहीं भागूंगा। बहुत सिंपल सा तरीका है, दो तरीके होते हैं, या तो आप पैसे के पीछे भागें या आप मजबूर कर दें कि पैसा आपके पीछे भागे। अब पैसा आपके पीछे तभी भागेगा जब आप काम अच्छा करेंगे, जब आप क्वालिटी का काम करेंगे, जब लोग आप में बिलीव करेंगे और जब लोग आपके काम को सराहेंगे और जब लोग आपको देखना चाहेंगे। तो या तो आप आज पैसे के पीछे भाग लीजिए या आप पूरी ज़िंदगी कोशिश करें कि पैसा आपके पीछे भागे। फिलहाल तो नहीं भाग रहा है पैसा मेरे पीछे, लेकिन मेरी कोशिश उसी तरफ है कि कम से कम मैं काम अच्छा करूं। और आई थिंक इट्स मोर अबाउट क्वालिटी एंड नॉट अबाउट मनी। तो आई रियली डोंट फील कि आप 6 महीने बाहर हो जाएंगे तो लोग आपको भूल जाएंगे। अरे तो फिर आपने किया क्या? और अगर बाहर हो जाएंगे तो आपको घबराने की ज़रूरत क्या है? क्योंकि अगर आप में काबिलियत है तो आप स्क्रैच से शुरू करेंगे ना। टेलीविजन है, आपको मौके तो मिलेंगे, कम से कम जो भी आपको मौका देगा आप सोचें ना कि मैं स्क्रैच से शुरू कर रहा हूँ और आप वापस करें। क्यों, व्हाई डू यू वांट टू क्लिंग ऑन टू योर सक्सेस एंड व्हाई डू यू वांट टू जस्ट क्लिंग ऑन एंड होल्ड इट एंड लिव फॉर लाइफ कि नहीं यार मैं यही बन के रहूँगा, कहीं ये मेरे हाथ से निकल ना जाए। अगर आपको इतनी घबराहट थी तो आप आए क्यों यहाँ पे? सी मुझे नहीं मालूम है कि बाकी सबको कितना पैसा मिलता है, बट मेरी ज़रूरत के हिसाब से मुझे ढंग का पैसा मिल जाता है। एटलीस्ट इतना मिल जाता है कि मैं अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करके रख सकूँ। मेरा बहुत बहुत ज़्यादा बड़े बड़े शौक नहीं है, मुझे बहुत बड़े बड़े घर या बहुत ही एक्सपेंसिव घड़ियाँ या आई रियली डोंट फील कि सर इट इज़ अ शो बेस, बट आई रियली बिलीव डोंट बिलीव कि सिर्फ शो करने से आप स्टार बन जाते हैं। आई थिंक अल्टीमेटली हमें काम बोलता है। आई थिंक आई एम रिसेंटली पेड एंड आई थिंक डिजर्विंगली पेड आई गेस। कभी कभी जब लोग ज़्यादा पे करते हैं तो लगता है कि काश, मेरी कोशिश ही रहती कि मैं डिज़र्विंग महसूस करूँ। सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं राजीव खंडेलवाल हूँ इसलिए मैं ज़्यादा पैसे मांगूँ, इसलिए क्योंकि राजीव खंडेलवाल आपको एक एज देगा, एक ज़्यादा देगा, तभी आप मुझे ज़्यादा पे करेंगे। सो वेरी सिंपल। शो में विश्वास नहीं करते हैं। देखिए वो साइकिल की बात जहाँ तक आती है तो साइकिल मैंने दुनिया के लिए नहीं ली थी, साइकिल मैंने खुद के लिए ली थी क्योंकि मुझे लगा था कि शूटिंग डैम पर वक्त आप साइकिलिंग करते हुए जाओ तो शायद आप मेंटेन कर सकते हो। और मैं पहला इंसान हूँ जिसने साइकिल ली थी। आई थिंक वो पहली बार लिखा गया, आई थिंक एजाज़ खान मेरे दोस्त हैं, एजाज़ ने साइकिल ली थी सबसे पहले। और बट आई एम सरप्राइज कि उसने कैसे मैनेज किया, किसी को ज़रा खबर नहीं हुई। सो आई थिंक आई लर्न फ्रॉम देम। एजाज़ ने ली, चैतन्या चौधरी ने साइकिल ली, शबीर ने साइकिल ली। आई थिंक मैं तो बहुत लेट एक साइकिल ली है, बट वो साइकिल का इशू बन गया तो बन गया, क्या कर सकते हैं। रही बात दूसरी गाड़ी की, तो मैंने नई गाड़ी इसलिए ली, सच तो ये कि जब मैंने वो साइकिल खरीदी तो मुझे लगा कि यार ये साइकिल मैं रखूँगा कैसे अपनी छोटी कार में। तो बड़ी कार मैंने साइकिल के लिए खरीदी एंड अल्टीमेटली वो दो गाड़ियाँ हो गई और वो गाड़ी मैं ऑब्वियसली आई सेल दैट अदर कार। कोई शौक नहीं कि मैं अपना पूरी कॉन्वॉय लेके जाऊँ, बट एक्चुअली आई वॉन्ट टू फील कि हाउ डज इट फील टू हैव टू कार्स एटलीस्ट इवन इफ इट्स फॉर अ व्हाइल। सब टेलीविजन सुपरस्टार हैं आप, प्रॉबली हाई स्पीड टेलीविजन एक्टर हैं, मगर एज एन एक्टर ऑनेस्टली आप अपने आप को क्या समझते हैं, क्या आप एक अच्छे एक्टर हैं? देखिए मैं अभी तक खुद को डिस्कवर कर रहा हूँ कि मैं कैसा एक्टर हूँ। मुझे हर बार जब मैं अपने सीन्स देखता हूँ, मैं अपनी जब परफॉर्मेंस देखता हूँ, तो हर बार मुझे लगता है कि काश मैंने ऐसा किया होता, काश मैंने वैसा किया होता। हर बार लगता है कि एक बार मौका मिल जाए मैं सीन को वापस करना चाहूँगा। आई थिंक आई एम ग्रोइंग, आई एम स्टिल लर्निंग। मैं अभी मुझे